आपको क्या लग रहा है, मेरे स्टंट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ए, ये तो पवन कुमार चतुर्वेदी है, ऊपर बजरंगी भाईजान। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू नॉफ राइडर। दोस्तों अभी हम लोग सेकेंड डे का राइड स्टार्ट किया है मोड़ासा से। अभी उदयपुर से अजमेर, और अजमेर से फिर टूवर्ड्स सीकर जाने का प्लान किया है। देखते हैं अभी आज का टारगेट अचीव होता है नहीं होता है। अभी हम जब निकले तभी समय हुआ है 7:30। ओके बस 10 लीटर डाल देना कार्ड। हाँ कितना है अभी रेट? 100 रुपये 77 रुपये। अच्छा ठीक है। हाँ ये गुजरात में आता है ना, इलाज पे प्रॉब्लम पे क्या? आगे सेल का है लेकिन वो बंद पड़ा है। अच्छा हाँ भारत का उस साइड में, बराबर देखा हम लोगों ने। ओके ओके। और यहाँ का और राजस्थान का डिफरेंस कितना है प्राइस में? 10-12 रुपये का। 12 रुपये का। ओके ओके सस्ता है, थोड़ा ज़्यादा ही डाल देते। ऐसा दबा दबा के डालो, बैठना चाहिए। हो गया शुक्रिया। अभी सब लोगों ने अपना अपना बाइक का फ्यूल टैंक फुल किया है, क्योंकि जो फ्यूल पंप पे हम लोग रुके थे वो फ्यूल पंप गुजरात बॉर्डर का लास्ट फ्यूल पंप था। और अभी कुछ ही समय में हम लोग राजस्थान बॉर्डर क्रॉस करेंगे, तो कल महाराष्ट्र और गुजरात में राइड किया, आज गुजरात और राजस्थान स्टेट में राइड करेंगे। वो देखिए वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है, वहाँ पे ऐसे दो मीनार दिख रहे हैं, वही बॉर्डर है। स्वागतम वीर भूमि मेवाड़ राजस्थान। तो हमारे साथ साथ आप सभी का राजस्थान में स्वागत है। और देखिए ये फ्यूल पंप है जो बंद पड़ा हुआ दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, क्योंकि ये राजस्थान बॉर्डर में आता है और यहाँ फ्यूल का डिफरेंस है 12 रुपये कुछ पर लीटर है। कल हम गुजरात में सीधे सीधे रोड पे राइड कर रहे थे, आज राजस्थान एंटर करते ही पूरा घाट सेक्शन लगा और टर्न पे टर्न ऐसे राइड करते जा रहे हैं। तो ये जो टेरेन है वो चेंज हुआ नज़र आता है कि हम लोगों ने गुजरात छोड़ के राजस्थान में राइडिंग स्टार्ट की है। मज़ा भी आ रहा है, बस कुछ कुछ जगह पे गाड़ी का स्पीड कम करना पड़ रहा है, लेकिन सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए वो करना ही पड़ेगा। राजस्थान का ये वो एरिया है यहाँ पे खेती बाड़ी होती है, ये रेगिस्तान नहीं है, यहाँ पे पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं, पानी के झील है। ये देखिए मज़े की बात, हम लोग नाश्ता करने के लिए रुके राजस्थान में और खा क्या रहे, बटाटा वड़ा महाराष्ट्र का, दाबेली गुजरात की, डोसा साउथ इंडिया का और आलू पराठा नॉर्थ इंडिया। ये हाईवे एकदम मक्खन है, हम लोग जैसे भी इस हाईवे पे राइड करने लगे हैं हमारे स्पीड 80-100 के बीच में ही है। शायद मेरी आवाज़ भी आप ठीक तरह सुनाई नहीं सकते हो क्योंकि विंड ब्लास्ट बहुत आ रहा है। दोस्तों तो देखो अभी हम लोग उदयपुर में पहुंच गए हैं और हमारे गांव वाले यहां पे मिले हैं। तो भाई साहब आप कहां से? पलघर से। पलघर से। ओके, और यहाँ कितने दिनों से? यहाँ 3 महीना हुए। अच्छा सिर्फ 3 महीने से यहाँ पे? पहले पालघर में ही थे। ओके ओके, बात हो गई है हम लोगों की और पता चला कि ये भी पालघर से है, फिर इन्होंने हमें हमारी अच्छी खातिरदारी कही है। ये देखिए हम लोगों को पानी की सेवा दे दी है,
भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू। चलो तो अभी राजस्थान में पानी की कमी नहीं है, देखिए सब लोग यहाँ पे नारियल पानी पी रहे हैं। सर शुक्रिया। तो अभी ये राइड्स का ये पहला टनल लगा हम लोगों को, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। उदयपुर सिटी छोड़ के हार्डली हम लोग 8-10 किलोमीटर ही आगे आए हैं और ये टनल लगा। एक भव्य मूर्ति दिखाई दे रही है, भगवान शिव की हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे त्रिशूल दिख रहा है, उनके गले में नाग दिख रहा है और उनकी जटाएँ भी दिख रही है। देखिए यहाँ पे आपको पूरा ग्रेनाइट और मार्बल्स उसका ही मार्केट दिखेगा, राजस्थान का फेमस चीज़ है ये। आपने बाइक का इस्तेमाल तो बहुत किया होगा, लेकिन ये जो हमारे गुरु जा रहे हैं ये देखिए कि बाइक का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। खुद टंके के ऊपर बैठ गए और पीछे अपना ट्रक का टायर लगाया है। ये देखिए आपको क्या लग रहा है, नीले स्टंट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, नीले स्टंट नहीं कर रहा है, एक बीमारी है। ये बीमारी सुबह नहीं होती है, जैसे जैसे धूप बढ़ते जाता है, गर्मी बढ़ते जाती है, वैसे वैसे पसीना छूटने लगता है। और अपने पिछवाड़े पे जब बहुत सारा पसीना छूटता है तो फिर अपनी सीट और गाड़ी की सीट एक दूसरे को काटने लगते और ये ऐसा कुछ तो जुगाड़ करना पड़ता है। अभी देखो थोड़ी देर के बाद वापस वो खड़ा हो जाएगा, बाद में बोलेगा कि थोड़ा रुकते हैं, 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। इस हाईवे का काम प्रगति पर है, इसलिए हमें ऐसी ऑफ रोडिंग करनी पड़ रही है। 30-35 किलोमीटर हम लोग आए हैं, ऐसे ही पैच आते हैं, धूल मिट्टी का सामना करना पड़ रहे हैं और स्पीड भी नहीं पकड़ पा रहे हैं हम लोग। ये देखिए अभी कैसा रास्ता है, अभी तक जितना भी राइड किया ऐसा रास्ता नहीं मिला था। पवन को क्या कंफ्यूजन था, क्यों रुका था वो, समझा नहीं मैं, शायद मुझे देखा नहीं होगा उसने कि मैं पीछे ही हूँ। उसको लगा होगा कि ज़्यादा दूरी बढ़ गई है इसलिए मेरा इंतज़ार करने के लिए रुका होगा। एनीवे कोई बात नहीं, अब तक सब कुछ कुशल मंगल है। उम्मीद रखता हूँ कि ऐसा ही राइड का एंड होने तक सब लोग कुशल मंगल ही रहे। दोस्तों तो अभी ये आज का सेकंड फ्यूल ब्रेक है और यहाँ रेट कितना है, 108.57 रुपीज़ है, 108.57 रुपीज़। एक काम कीजिए 8 लीटर ही डाल दीजिए, बराबर 8 लीटर, 9 लीटर तो बैठेगा नहीं ना। बस अभी शाम के 4:15 बज रहे हैं और चाय नाश्ता कॉफ़ी के लिए हम लोग रुके हैं। जिस लोकेशन पे रुके यहाँ से अजमेर लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर यहाँ से एग्जिट लेके अंदर चले जाते हैं 20 किलोमीटर आगे तो अजमेर में पहुँच जाएंगे हम लोग। अजमेर में एक दरगाह है बहुत फेमस और हम भी वहाँ जाना चाहते थे लेकिन हमारे पास उतनी छुट्टी नहीं है तो हम लोगों ने अजमेर का प्लान बनाया ही नहीं था, इसीलिए हम सीधा अभी टूवर्ड्स सीकर जा रहे हैं।
अभी इस इलाके में हम लोग देख सकते हैं कि पहाड़ आपको ज़्यादा नहीं दिखाई देंगे। मॉर्निंग में जब एंटर किया था राजस्थान में, तभी जैसी खेती थी वैसी खेती भी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। अभी हम लोगों ने किशनगढ़ से एग्ज़िट ले लिया है और यहाँ एग्ज़िट लेने के बाद ये बोर्ड आया है, तो इसमें मकराना है 60 किलोमीटर, नागौर 214, भटिंडा 492 और अमृतसर 678। अभी हम लोग सीकर तक यही रास्ते से राइड करेंगे। सीकर पहुँचने के बाद कल का प्लान बनाएंगे। किशनगढ़ से निकलते ही वापस हमें एक ब्रेक लेना पड़ा, क्योंकि ये देखिए सीन कुछ ऐसा हो गया, हमने एक राइडर का बाइक पंचर हो गया। लेकिन एक अच्छा, ये 10 साल से गाड़ी चला रहा है, ये गाड़ी नहीं, ये गाड़ी तो अभी 1 साल पहले लिया, लेकिन 9 साल दूसरा गाड़ी यूज़ किया उसने, लेकिन वो कभी भी उसका गाड़ी पंचर नहीं हुआ 8-9 साल में। और मैं ये बता रहा था कि एक बात अच्छी हुई कि ये जो पंचर वाले हैं इन्होंने टायर को डिसमेंटल नहीं किया, तो टायर जैसे के वैसा ही रहा, उसको सिर्फ ट्यूब निकल के चेक किया और अभी इमीडिएट वो फिट करने वाले हैं। तो ये जो आइडिया है ये भाई साहब का है। भाई साहब आपका नाम क्या है? मोहम्मद जाकिर। टेक्निक कहाँ से सीखी? अभी अभी नितिन राइडर जो है उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। ये टेक्निक से ये खुद ने ये डिज़ाइन किया है, यानी कि कैसे निकालने का है विदाउट टायर डिसमेंटल करके। अच्छा, तो मैं वही उसको पूछ रहा था। एक्सपीरियंस मैटर। आइए पवन जी, आपकी कमी थी। ये देखिए क्या हो गया, तो आजू बाजू कुछ दिखता ही नहीं है। पवन जी ऐसा लगाया घोड़े का झापड़ा लगाया। नहीं, रनवे पे जैसा प्लेन चलता है ना वैसा पवन जी सीधा। नहीं, वो ऐसी बात है, पवन जी है जो हवा के साथ बातें करते करते राइड करते है, इसीलिए। ये तो पवन कुमार चतुर्वेदी है, ऊपर बजरंगी भाईजान, ये इसको देखते ही नहीं है। अरे गर्मा गर्म चाय लिया दोस्त। आपका नाम क्या है? चेतन। चेतन, चेतन चौहान? चेतन चौधरी। चेतन चौधरी है, मुझे लगा चेतन चौहान है क्या? नहीं, चौधरी। आपका रेस्टोरेंट का नाम क्या है? वीर तेजा टी स्टॉल। अरे वीर तेजा टी स्टॉल, ओके ओके। तो ये लोकेशन कौन सा है एक्चुअली? ये कुचामन सिटी बूर्सु बाईपास चौर है। कौन सा? कुचामन सिटी बूर्सु बाईपास चौर है, नागौर जिले में। नागौर जिले में है, ओके ओके। और यहाँ से अभी सीकर कितना दूर है पता है? यहाँ से 70 के आसपास, 70-80 के आसपास, तो 1-1.5 घंटा लगेगा। यहाँ से आगे रोड कैसे है? यहाँ से आगे से एकदम हाईवे है। हाईवे है, ओके ओके, चलो बढ़िया। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ चाय पीने के लिए रुके थे और हमें दोस्त मिला। चाय भी मीठी और अच्छी है। अच्छा, वो तो पूछना मैं भूल गया, कैसी है चाय? अच्छी है, मीठी भी है। रात के लगभग 8 बजे हैं और अच्छा खासा अंधेरा हुआ है। अभी जिस रोड पे हम लोग राइड कर रहे हैं वो सिंगल लेन रोड है, तो हम लोगों को काफ़ी दिक्कत सहन करनी पड़ रही है। सामने से जो व्हीकल्स आते हैं उनका लाइट्स पूरा अपने आंखों पर आता है और हर बार गाड़ी का स्पीड कम करना पड़ रहा है। यहाँ से सीकर की दूरी अभी तक 125 किलोमीटर है और हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि हम लोग सीकर जाके ही स्टे करें। अभी पिछला जो रोड था लगभग 50 किलोमीटर का, 40 से 50 किलोमीटर का, उसकी कंडीशन तो बहुत ही बेकार थी। अभी कुछ 4-5 किलोमीटर से ही अच्छा रोड आया है, अगर ऐसा ही रोड रहा तो हमारी दिक्कत कम हो जाएगी और शायद हम लोग हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंच भी जाएंगे। तो इसके आगे तो मैं शूट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आप देख रहे हैं अंधेरा हो चुका है। तो यहीं पे मैं आपसे विदा लेता हूँ और आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।